अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िशिंग ग्रुप कराची से अकबर अली। होप आप सब लोग आफियत के साथ होंगे। सबसे पहले मेरा ख्याल है मैं क्लैरिफाई कर दूं, काफ़ी अरसा आप लोगों से और इस चैनल से दूर रहा। जॉब के सिलसिले में कुछ मसरूफियात थी, कराची से बाहर रहने की वजह से बिल्कुल अनटच रहा, कोई प्लान नहीं किया, कोई प्रोग्राम नहीं बना। काफ़ी अरसे बाद ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और फिर अपने कमेंट्स से बताइएगा कैसा लगा आपको। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा ये वाला टूर हमारा, और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। इस टूर में हमारे साथ दो मेहमान हैं, एक हैं अल्लाह बचायो बड़े पाए के फिशरमैन हैं, ये हैं रज्जब भाई जो इस बोट के खलासी हैं। ये बोट के नाकवा हैं लतीफ़ भाई, और दूसरे मेहमान हमारे पास माजिद महमूद साहब हैं जो कि इस वक्त अपनी डोरियाँ और कांटे तैयार कर रहे हैं शिकार के लिए। और ये हमारे ज़ुहेब भाई हैं, और इन हस्ती को तो आप जानते हैं, मिस्टर नईम भाई, सीनियर शिकारी हैं हमारे साथ। और जनाब ये मौसम देखें आप, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या बेहतरीन वेदर है। देखते हैं फिर आगे क्या अपडेट होती है, जो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। ये इस वक्त नईम भाई और बचायो जो है ना वो प्लान कर रहे हैं कि चारा कहाँ से पकड़ा जाएगा और फिर हम शिकार कहाँ पे करेंगे, इसी वजह से कश्ती थोड़ी स्लो की। आई होप के यहाँ ये लोग रुकना चाह रहे हैं। ये अभी जनाब जाल मारा जाएगा ताकि ज़िंदा बोई और ज़िंदा झींगे का कोई अरेंजमेंट हो सके। अल्लाह करे कि दोनों चीज़ें मिल जाएं और अच्छी मिलें, क्योंकि इसी पे बेस कर रहा है शिकार का रिजल्ट। नाज़रीन, बिल आखिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फिशिंग पॉइंट से नज़दीक पहुंच चुके हैं। देख रहे हैं नईम भाई कितना तैयारी कर रहे हैं, अब बाकी टीम भी रेडी हो जाएगी तो छोटे से वक्त के बाद ताकि लॉन्च वॉन्च सेट कर लें, फिर हम आपको लाइव फिशिंग दिखाएंगे जो मुमकिन हो सका इंशाल्लाह। तो दिल थाम के बैठिएगा, उम्मीद अच्छी रखिएगा, बाकी बेहतर होगा इंशाल्लाह। आप लोग साथ हैं तो यकीनन बेहतर ही होगा। बस आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन थैंक यू। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बचाया वो भाई ने जो है ना हुक कर लिया है, और उनके हाथ की मूवमेंट से पता चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा ही दाना होगा। मज़ीद अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि हम देखते हैं भाई जान क्या लेके आ रहे हैं, कैसा लेके आ रहे हैं। वो छक्का ले क्या, छक्का ले क्या बचाए, उन्हें का आवाज़ तो लगाई डाठी की, बाहर निकले तो हम यकीन करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, बेहतरीन डाठी,
बेहतरीन, लाजवाब, एक्सीलेंट, क्या गए बचाए हो आप। बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह। नईम साहब, तुम्हारा छक्का डालने का तरीका वारदात सही नहीं था भाई। छक्का भारी बहुत। रुको, ये डोर नीचे, ये भी किधर से? ये नीचे अंदर कर नहीं जाले टूटता। इधर ले गया इसको मैदान में। ये क्या हुआ? माशाल्लाह भैया माजिद, तू जो चाह रहा था ना, अल्लाह ताला ने वही दिया। वही बाहर निकल जाएगी। नहीं अब निकलने दे यार, छक्के में से तो बाहर निकले। ये हमारे अल्लाह बचाए उन्हें, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह जी। एक और डाटी हुक का गई है। ये बेसिकली नईम भाई की डोर थी, नईम भाई ने हुक किया है और इस खौफ से बचाए को दे दिए। खुदा ना खास्ता कहीं देरी से आ जाए, ये बचाए निकाल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बचाए माशाल्लाह। वीडियो बना रहे हैं, निकल जाएगी तू। अभी बना वो छोड़ छोड़ बनाओ और ना कट गया। माशाल्लाह नहीं भी, तुम्हारी डोर थी और बचाए उन्हें निकाल दी और ये नज़र ना आने वाली डोर थी। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह बैक टू बैक दाने लग रहे हैं। बचाए उन्हें हुक करके एक और दाने में निकाल दिया। हमें मौका नहीं दिया कि वो किस स्टाइल से लेके आ रहे थे वो सारा कुछ दिखाने का। बस अब हमने इतने कर लिया कि हमने छक्के में से दाने को पिक किया है और बस लंच तक आते हुए हम आपको दिखा देंगे। अल्लाह भाई माशाल्लाह, एक और डाठी का इजाफा हो गया जनाब कश्मीर। आप लोगों की दुआ के साथ तो बचाया। टंग माफ कट ये मछली जी जो शिकार किया था उसमें जो सबसे ढूंढ ढांड के कुछ छोटे से छोटे दाने थे उन्होंने वो निकालने की कोशिश की थी। और ये अभी जो है ना दोपहर का खाना बन रहा है, ये थोड़े से दूसरे स्टाइल के प्यार। ये मसाला है, ये जी मछली, सालन और अलग से बनेगा भात चावल। और फिर माजिद भाई हम लोग तो करेंगे मज़े और तुम जायशियाँ करो वहाँ पे बैठ के। सलाद तो आपको दिखाए, ये सलाद मेन तो से हम खाना खा रहे हैं। देखिए कितने प्यार से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम बहुत खुश है, अच्छा शिकार और उसके बाद अच्छा खाना। अब देखिए आप इनके मुस्कुराते चेहरे, ये अब फोटो सेशन शूट करवाने के लिए नईम भाई, जुएब भाई, माजिद भाई, अकबर खुद भी नज़र आ गए इसमें। ये बचायो हैं इस वक्त नाकवा का काम भी कर रहे हैं और शिकार भी कर रहे हैं। और ये हमारे जूनियर नाकवा हैं लतीफ़, ये कॉर्नर पे रजब भाई बैठे हुए हैं। ये आप देखिए अब आवाम आराम करते हो गए, ज़ार इतना खा लिया इन लोगों ने, कभी हिम्मत नहीं अब इनसे कुछ करने की। ये थोड़ा सा शाम का सूरज गुरूब होने का व्यू ये भी आपको दिखा दिया जाए कि समंदर में कितना खूबसूरत अल्लाह करीम ने यह नज़ारा बनाया हुआ है। आप देखें हर तरफ सुनहरी सुनहरी गोल्डन गोल्डन व्यू नज़र आ रहा होता है। ये सब अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं। ये उधर जा रही है उसमें पंखे में। नहीं आएगी ना, ना।
नीचे हो जाओ अकबर, तुम्हारे को देख रहा है, ज्यादा भाग रहा है। मैं नीचे हूँ भाई, घुस जा नीचे। नहीं बहुत गहरा है। माजी इस तरीके से उठाना कि वो बाहर निकल जाए। माजिद ही उठाएगा, हाथ कट जाएगा। ये भाई माजिद भाई हैं और माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अंदर करे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। देखे माजिद भाई कपड़े का जरा ना खबर माशाल्लाह भी बेहतरीन। एक और डाठी आ गया भाई हमारे माशाल्लाह अकबर भाई, आप दाना देख सकते हैं माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। नाजरीन ये टोटल शिकार है खाने पीने के बाद जो बचा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, इंजॉय भी किया और ताने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लगे। अब आप उनकी दुआओं के साथ बहुत शुक्रिया आप लोगों का चैनल को सपोर्ट करने के लिए और इस अपने पन के साथ जहाँ भी रहें खुश रहें।